आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। आपने एरावत इनिशिएटिव के बारे में भी सुना होगा। इस कॉमन प्लेटफॉर्म का उपयोग बहुत जल्द सभी रिसर्च लैब, इंडस्ट्री और स्टार्टअप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए एआई को अपने भविष्य के लिए अलग प्रकार के एआई की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस की वजह से समाज में मौजूद असमानताएं और बढ़ गई थी। अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। फ्रेंड, किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई ट्रांसफॉर्मेटिव तो है ही, लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। अगर हम इस्तेमाल हो रहे डेटा और एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट और फ्री फ्रॉम बायस बना सकें, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। हमें दुनिया भर के लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि एआई उनके लाभ के लिए है, उनके भले के लिए है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एआई पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब एआई से जुड़े एथिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग एआई के ग्रोथ कर्व का हिस्सा बन जाए, तो
तो युवा ये भरोसा कर पाएंगे कि एआई उनके भविष्य की बेहतरी के लिए है। अगर डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो लोग यकीन कर पाएंगे कि एआई उनकी प्राइवेसी में दखल दिए बिना विकास को आगे बढ़ाएगा। अगर ग्लोबल साउथ को यह पता होगा कि एआई के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका होगी तो वो इसे भविष्य के एक रास्ते के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज